الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال تعالى في القرآن المجيد لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. किसी शायर ने क्या खूब कहा है, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मुहम्मद से उजाला कर दे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अफ़ज़ला सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लम. मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. किसी शायर ने क्या खूब कहा है, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, खुदा के लिए. परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस. और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा सिद्दीक कहता है, खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं, खलंदर गौस अख्ताब वली सिद्दीक कहते हैं. खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं, खलंदर गौस अख्ताब वली सिद्दीक कहते हैं. कसम शहजाद खाकर ज़ाते बारी की सरे मिंबर, कसम खाकर, कसम शहजाद खाकर ज़ाते बारी की सरे मिंबर, मेरे सिद्दीक को, मेरे सिद्दीक को अली सिद्दीक कहते हैं, मेरे सिद्दीक को अली सिद्दीक कहते हैं. मुकर्रम हाज़रीन नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा करोड़ एहसान है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हमें अपने महबूबीन के चाहने वालों में बनाया है. अल्लाह का हम पर एहसान है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवालों से भी मोहब्बत करते हैं, रसूल पाक के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं. इसलिए मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ कि नबी के बाग के सर व समर से प्यार करते हैं, नबी के बाग के सर व समर से प्यार करते हैं, हम एक गुल से नहीं सारे चमन से प्यार करते हैं. मोहतरम नाज़रीन कराम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने के लिए मैं आप अहबाब के सामने हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि 22 जमादुल आखर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम उर्स है. इसी मुनासिबत से आपके कुछ फ़ज़ाइल मनाक़िब क़ुरान व हदीस की रोशनी में और अकाबिर उलमा अहल सुन्नत की किताबों से इंशाल्लाह कुछ बातें आप अहबाब के गोशे गुजार करने की सआदत हासिल की जाएगी. क़ुरान मजीद की अभी मैंने आय करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया. ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर में आप फरमाते हैं, उलाइकल लदीना अनअमल्लाह, ये कौन है, किस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया है, उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन. सिद्दीकीन से मुराद ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में लिखते हैं, सिद्दीकीन से मुराद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बारी है. सिद्दीक अकबर तमाम अम्बिया कराम के बाद सबसे ज़्यादा सच्चे अम्बिया व रसूल के बाद सबसे ज़्यादा सच्चे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं. तो आप इसकी तफसीर में, सिद्दीकीन की तफसीर में आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुराद लेते हैं. व शुहदा, शुहदा से मुराद हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सय्यदना उस्मान गनी बिन नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. वस्सालिहीन से मुराद मौलाए कायनात फ़ातह खैबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बारी है. हाज़िर मुकर्रम, ये आय करीमा मैं की तफसीर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब से मैं आपको तफसीर से बयान किया हूँ.
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन के इतने फ़ज़ाइल इतने मनाक़िब है, सबसे पहले कलीमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन है, सबसे पहले मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल को सबसे पहले लुटाने वाले सिद्दीक अकबर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा अपनी माल से ज़्यादा हर चीज़ से ज़्यादा चाहने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन वो है, उनका मकाम व मर्तबा इतना आला इतना आरफा है कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब ख़त्म नहीं हो सकते, ऐसे ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो है अल्फाज़ों में नहीं आ सकते, क्योंकि आप अफ़ज़लुल बशरी बादल अम्बियाई बित्तहक़ीक़ है, तमाम अम्बिया व रसूल के बाद सबसे अफ़ज़ल शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन है। आप हाज़िर मुकर्रम, आज हम इनका उनका गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन अगर कोई किसी मुश्किल में फंस जाता है परेशानी में फंस जाता है तो हम कहते हैं या गौस अल मदद, मगर गौसे आज़म दस्तगीर पीरान पीर जिसको दुनिया कहती है, पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन जब किसी मुश्किल में किसी परेशानी में फंस जाते तो रब की बारगाह में यूँ दुआ करते, मौला अबू बकर सिद्दीक के सदक़े में ये मैं मसले में फंस गया हूँ, ये मसले से निकाल दे गौसे आज़म, जिनको सारी दुनिया जिनका वसीला लेती है गौसे आज़म अबू बकर का वसीला लेते हैं। ये मकाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन का। एक मरतबा अहले बैत से मोहब्बत देखे, अहले बैत को अबू बकर से मोहब्बत देखे। एक मरतबा इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि आप को अबू बकर से कैसी मोहब्बत है, अबू बकर सिद्दीक से आपको कैसी मोहब्बत है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं आप दुआ करते हैं। इमाम जाफर सादिक ये सैयदों के सरदार, इमाम जाफर सादिक जिनकी हम नियाज करते हैं, ये कहते हैं कि जब जैसे दुआ फरमाते हैं, क्या दुआ करते हैं, ए अल्लाह जैसे मुझको अपने जद की शफाअत का मैं अपने आप को उम्मीदवार समझता हूँ, ऐसे ही अबू बकर सिद्दीक की शफाअत का भी मैं अपने आप को उम्मीदवार समझता हूँ, ऐसे ही मैं अबू बकर सिद्दीक की भी हमको शफाअत नसीब होती है। ये इतने बड़े लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यूँ अकीदत यूँ मोहब्बत रखते हैं। हाज़िर मुकर्रम मौलाए कायनात से पूछते हैं कि मौलाए कायनात आप ही बता दें कि अफजल कौन है। मौलाए कायनात से पूछते हैं आप बाबुल इल्म हैं, आप फातह खैबर हैं, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी वो हैं जो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते जो पूछना है मुझसे पूछ लो। साहबा फरमाते अबू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फरमाते कि मुझसे जो पूछना हो पूछ लो मैं बता दूंगा, ऐसे ही यही जुमले सेम टू सेम मौलाए कायनात के होते, जो पूछना हो मुझसे पूछ। आज हम पूछते हैं क्या ए अली आप खुद बता दें कि अफजल कौन है, आज मसले का हल हो जाएगा। तो मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं जो मुझको अबू बकर उमर से अफजल समझे, जो मुझको उमर और अबू बकर से अफजल समझे मैं उसको झूठ बोलने की सज़ा मैं उसको देता हूँ। झूठ बोलने की सज़ा क्या है, मुअर्रिखीन फरमाते हैं उलमा इकराम ने किताबों में लिखा कि 80 कोड़े मारने का हुक्म मैं उसको लगाऊंगा। हाज़िर मुकर्रम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक क्यों कहा जाता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक इसलिए कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा सच्चे हैं। सिद्दीक इसलिए भी कहा जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराजुन नबी जो आपको मेराज हुई थी सबसे पहले उसकी तस्दीक करने वाले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसलिए आपको सिद्दीक कहा जाता है। हाज़िर मुकर्रम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक, सिद्दीक के लक़ब के मुतालिक हज़रत सय्यदना मौलाए कायनात फरमाते हैं एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा किराम बैठे हुए हैं, जिब्राइल तशरीफ़ लाए, जिब्राइल अलैहि सलाम हाजिर हुए और आकर कहा कि सिद्दीक को का लकब जो सिद्दीक का लकब अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर को सिद्दीक के लकब से नवाजा है, सिद्दीक का लकब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को अता फरमाया। और एक मरतबा मजलिस है, सहाबा की मजलिस बैठी हुई है, जिब्राइल अमीन अबू बकर रसूल पाक की मजलिस में आए बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को बुलाया, जब रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए तो अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ मुखातिब होकर कहा ए जिब्राइल इनको तुम जानते हो, तो अब जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया से ज़्यादा आसमान वालों में मशहूर है, इनको आसमानों में हलीम कहा जाता है,
वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब इतने हैं कि हाज़िर मुकर्रम, अकीदा अहले सुन्नत क्या है? अकीदा अहले सुन्नत ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ अफ़ज़ल है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उमर फ़ारूक़ है, उस्मान गनी है, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये तरतीब हमारी बनाई हुई तरतीब नहीं है, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरतीब फरमा दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में 17 दिन तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोज़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई और सारे सहाबा इकराम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तमाम सहाबा इकराम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। हाज़िर मुकर्रम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सिद्दीक़ है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जब से ईमान लाए हैं, और सिद्दीक़ अतीक़ का भी, अतीक़ भी आपका एक लक़ब है। अतीक़ के बारे में मुअर्रिखीन किताबों में लिखा गया, अतीक़ इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा दिया था। अतीक़ इसलिए कहा जाता है कि आप दुनिया में आपको जहन्नम से बचने की बसारत आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दी। ये अतीक़ इसलिए कहा जाता है। हाज़िर मुकर्रम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल आपकी 3 ख्वाहिशें थी। ये कहकर मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊँगा। हाज़िर मुकर्रम, आपकी 3 ख्वाहिशें थी। 3 ख्वाहिशें क्या थी? सबसे पहली ख्वाहिश ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते रहना। ये वो सआदत है, ये वो सआदत मंदी थी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो ख्वाहिश है जो रसूल पाक के चेहरे को देखने से क्या होता है? रसूल पाक के चेहरे को देखने वाला सहाबी होता है। अबू बकर की ये ख्वाहिश थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर वाले चेहरे को तखते रहना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़्हा वाले चेहरे का दीदार करते रहना। आपकी पहली ख्वाहिश ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते रहना, तखते रहना, आपकी ख्वाहिश ये थी। अबू बकर सिद्दीक़ की पहली ख्वाहिश कैसी पूरी हुई, इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा। दूसरी ख्वाहिश क्या थी? दूसरी ख्वाहिश यह थी कि आप अपना माल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर लुटाते रहना। तीसरी ख्वाहिश क्या थी? अपनी बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके निकाह में देना। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीनों ख्वाहिशों को पूरा फरमाया। पहली ख्वाहिश क्या थी? चेहरे वज़्दुहा को देखते रहना। ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि अबू बकर सिद्दीक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो जाते, हजर हो या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में हो, अबू बकर साथ में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हों, अबू बकर साथ में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में है, अबू बकर साथ में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ार में है, अबू बकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मशवरा कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल की महफिल में शरीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक के साथ है। अब यहाँ तक कह लेने दीजिए कि जहाँ रसूल पाक आराम फरमा रहे हैं वहाँ अबू बकर सिद्दीक़ आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ये ख्वाहिश ऐसी पूरी हुई कि आप रसूल पाक के चेहरे को जो तकने की, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की जो ख्वाहिश थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी पूरी फरमाई। हाज़िर मुकर्रम, ऐसा कोई मौका नहीं था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो देखना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़्हा वाले चेहरे को देखने की जो ख्वाहिश थी ऐसी पूरी हुई, सिवाय अबू बकर के, सिवाय अबू बकर के किसी और की ऐसी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि तन्हे तन्हा अबू बकर हैं, तन्हे तन्हा अबू बकर हैं, गौरे सौर हैं और अबू बकर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हाज़िर मुकर्रम, ये ख्वाहिश ऐसी पूरी हुई, मुफस्सरीन लिखते हैं, अभी जो मैंने खुतबे के दौरान आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, ला तहज़न इन्नल्लाहा माना, ये अल्फाज रसूल मुकर्रम के हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसको शामिल फरमा लिया। ऐ अबू बकर, डरो ना, तकलीफ परेशान ना हो, ला तहज़न इन्नल्लाहा माना, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न, फिक्र ना करो, घबराओ ना, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी। हिजरत के वक्त ये वाक़िया पेश आया, किताबों में लिखा गया, मुअर्रिखीन लिखते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते से चलते तो कभी सीधे तरफ चलते तो कभी बाएं तरफ चलते, कभी सामने चलते तो कभी पीछे चलते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर क्या बात है, तुम ऐसे क्यों करते हो, इसकी क्या वजह है? अबू बकर सिद्दीक़ क़ुरबान जाएं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझको ख्याल आता है कि कोई आपको सीधे तरफ से हमला करेगा तो मैं सीधे तरफ चला जाता हूँ, कब मुझे जब ख्याल आता है कि बाएं तरफ से आप पर हमला होगा तो मैं बाएं
दाएं तरफ चला जाता हूँ। जब मुझको ख्याल आता है कि सामने तरफ से आप पर हमला होगा तो मैं सामने तरफ चला जाता हूँ। जब मुझको ख्याल आता है कि मैं आपको पीछे तरफ से हमला होगा तो मैं पीछे चला जाता हूँ। हाजिर मुकर्रम, अबू बकर की ख्वाहिश क्या थी कि ग़ुलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला होने से पहले ग़ुलाम पर हमला हो, अबू बकर पर हमला हो, अबू बकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान को क़ुरबान कर देना चाहते थे। हाजिर मुकर्रम, उम्मत में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? मौलाए कायनात से पूछते हैं, मौलाए कायनात आप ही बताएं सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? मौलाए कायनात कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है। मौलाए कायनात अपनी जगह पर हैं, अब मौलाए कायनात खुद फरमा रहे हैं कौन है। हाजिर मुकर्रम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग का मौका है, सारे सहाबा इकराम जंग के मौके पर हैं, जंग लड़ने जाने के वास्ते तैयार है, मगर रसूल पाक की हिफाजत के वास्ते ठहरने के वास्ते कोई तैयार नहीं है। वे इतनी कीमती चीज़ है कि इनकी हिफाजत के लिए कौन ठहरेंगे, सारे जंग के वास्ते चले गए। अबू बकर ने कहा कि मैं रसूल पाक के साथ रहूँगा, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में खड़ा रहूँगा। हाजिर मुकर्रम, मौलाए कायनात कहते हैं कि हमारी उम्मत में सबसे ज़्यादा ताकतवर अबू बकर है। हाजिर मुकर्रम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी ख्वाहिश क्या थी? अपना माल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुटा देना। अपना माल कई कई बार आपने, कई गुलामों को आपने आज़ाद फरमाया, बिलाल को आपने आज़ाद फरमाया, ऐसे कई जो गुलाम थे, जो सहाबा इकराम कैद थे, उनको कैद से कई कई पैसे देकर आपने छुड़ाया। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का खासा है। और तीसरी, वो दूसरी ख्वाहिश कैसे पूरी हुई? एक मर्तबा का वाकया है, जंग में जाना है, सहाबा इकराम जमा हैं, सारे लोग जमा हैं। रसूल पाक ने ऐलान फरमाया कि सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक माल लेके आकर यहाँ पर जमा कर दो। सारे लोग आ गए, सारे लोग माल जमा करने के लिए। हाजिर मुकर्रम, हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इनसे ये फ़लाँ गाड़ी में आगे बढ़ जाएँ, हम ये चाहते हैं कि हम फ़लाँ ने वैसी दावत की थी, हम चाहते हैं कि उसने जो दावत की थी हम उससे अच्छी दावत करें, ये हमारी ख्वाहिश होती है। अगर सहाबा का जज्बा देखे, उमर फारूक का, उस्मा अबू बकर का जज्बा देखे, उमर फारूक का क्या जज्बा है कि इस बार अबू बकर की हालत कुछ ठीक नहीं है, माली हालत कुछ ठीक नहीं है। अबू बकर इस बार शायद हो सकता है कि मैं अबू बकर से आज नेकियों में आगे बढ़ जाऊं, सबकत कर ले जाऊं, मगर क्या होता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला सारा घर का माल एक जगह जमा करते हैं, उसके दो हिस्से करते हैं, एक हिस्सा घर वालों के वास्ते रख देते हैं, दूसरा हिस्सा रसूल पाक की बारगाह में लाकर पेश कर देते हैं। उसके बाद फिर उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला धीमे धीमे कदमों से चलते हुए छोटी सी पोटली लाकर सारों की सामान के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से पूछते हैं, ए अबू बकर क्या लाए हो? हाजिर मुकर्रम, ये सुनने, ये जुमला सुनने लायक है, ये एक एक चीज़ जो माल अपना लौटाने की, रसूल पर लुटाने की जो ख्वाहिश थी वो कैसे पूरी हुई, देखें आप। अबू बकर से रसूल पाक ने पूछा, ए अबू बकर बताओ घर वालों के से क्या लाए हो? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जितना सामान था, घर के अंदर यहाँ तक झाड़ू मारने की अगर झाड़ू थी तो वो भी मैं इस पोटले में लाया हूँ। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुने, उसके बाद पूछते हैं, ए अबू बकर घर वालों के वास्ते क्या छोड़ाए हो? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर वालों के वास्ते अल्लाह उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। तीसरी ख्वाहिश, अम्मा आयशा आपके निकाह में देना, आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हुई। आपकी बेटी खात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया। हाजिर मुकर्रम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो जामिया कमालात, वो इल्म, वो हिल्म, आपके बारे में एक मैंने किताब में पढ़ा, मैं दंग रह गया कि लोगों ने किताब में हदीस पाक में आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। उसके बाद एक जन ने सवाल किया कि होना तो ये चाहिए था कि रसूल पाक फरमा देते, अबू बकर का नाम भी आ सकता था, अबू बकर का नाम क्यों नहीं आया? एक गैर की किताब में मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि अबू बकर के वास्ते बाद का लफ्ज़ आता ही नहीं था, अबू बकर के वास्ते बाद का लफ्ज़ आता ही नहीं, मेरे बाद नहीं, मेरे बाद का लफ्ज़ आता ही नहीं। रसूल पाक
कि ऐसे हम सभी थे, ऐसे रसूल पाक की सीरत, ऐसे रसूल पाक की सीरत, ऐसे चलना, ऐसे बैठना, ऐसा बोलना, हर चीज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जैसे थे, कोई आपको उनके बाद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अबू बकर सिद्दीक ऐसे ही हुआ। हाजर मुकर्रम जब गार सौर से आप हिजरत कर कर मदीने मुनव्वरा जब पहुँचे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का यूं असर हुआ कि लोग पहचानने से खासिर थे कि गुलाम कौन है, आका कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है, मोहम्मद कौन है, अबू बकर कौन है। ये देखने में लोगों को फ़र्क मालूम नहीं हो रहा था कौन आका है, कौन गुलाम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये क्या मामला हो रहा है। कोई अबू बकर का हाथ चूम लेता तो कोई रसूल पाक का हाथ चूम लेता मालूम नहीं होता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होने के लिए ये आका है, मैं गुलाम हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर मुबारक, अपना अमामा खोल कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर तार दी और बता दिया कि ये जो है, जो नीचे खड़े हुए हैं वो आका है, जो गुलाम है, जो हाथ में साहिबान पकड़े हुए हैं वो गुलाम है, ये आका है। हाज़िर मुकर्रम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैसा उनको बदला अता फरमाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने मदीने मुनव्वरा में जब दाखिल हुए थे तो आपने उन पर चादर तानी, तो अबू बकर सिद्दीक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिला दिया कि अबू बकर ने एक बार चादर तानी, एक बार उन पर साहिबान किया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसका बदला यह दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुंबद में अबू बकर सिद्दीक को जगह अता फरमा दी। मुकर्रम रसूल पाक ऐसे भी अताते हैं, ऐसे भी अता करते हैं, ऐसे ही नवाजते हैं। हज़रत मुकर्रम वो हदीस पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने सबके एहसानात मैंने चुका दिए सिवाय अबू बकर के। इस पर उलमाए किराम ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की हिम्मत अफजाई करनी होती है तो उनको ऐसे नवाजते हैं, अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया, दीन की खिदमत किया, तो उसने अपने आप पर एहसान किया। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकये से, ये हदीस से हम सब को, स्कूल चलाने वालों को, मदरसा चलाने वालों को, तहरीक चलाने वालों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली लीडर नहीं थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर कैसे होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को लीडर बना दिया कि लीडर कैसे, कौम को किस तरीके से चलाना होता है। अबू बकर सिद्दीक का मकाम व मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, ये तो अबू बकर सिद्दीक के वास्ते सआदत मंदी की बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माल को कबूल फरमाया, उनके काम को कबूल फरमाया। मगर एहसान अल्लाह तबारक व तआला लोगों के सामने जाहिर करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने सबका एहसान चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर सिद्दीक का एहसान रब खुद क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला खुद अता फरमाएगा, उनका क्या बदला होगा। हाज़िर मुकर्रम उनका बदला ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पर्दे में कलाम करेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह तआला बेहिजाब अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करेगा, उनको अल्लाह तबारक व तआला ये उनको बदला अता फरमाएगा कि बेहिजाब अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शायर कहता है, वो पैगंबर तो न था पैगंबर जैसा लगता था, पैगंबर तो न था पैगंबर जैसा लगता था, वो समंदर था गहरे दरिया जैसा लगता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पीर के दिन, अबू बकर सिद्दीक का विसाल पीर के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त में जहर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोश्त में जहर दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो साथी थे उसी वक्त शहीद हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो साथी थे उसी वक्त शहीद हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खलीफा बनाया, जो बाद का खलीफा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको खलीफा बनाया, जो बाद का खलीफा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से 10 दिन पहले मुसल्ला छोड़ा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने विसाल से 10 दिन पहले मुसल्ला छोड़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को शहीद किया गया, अबू बकर सिद्दीक के नवासों को शहीद किया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को खिलाफत के मामले में शहीद किया गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासों को खिलाफत के मामले में शहीद किया गया। सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु
के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को शहीद किया गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के नवासों को शहीद किया गया, अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपके सिराने अम्मा आयशा थी, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के विसाल के वक्त सिराने अम्मा बैशी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मिसवाक लाई जाए, अबू बकर सिद्दीक ने कहा मिसवाक लाई जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मिसवाक सख्त है नरम की जाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मिसवाक सख्त है नरम की जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक को अम्मा आयशा ने चबाया नरम किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की मिसवाक को अम्मा आयशा ने चबाया नरम किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जो चारपाई आई वही चारपाई अबू बकर के वास्ते आई, रसूल पाक के वास्ते जो चादर आई वही चादर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के वास्ते आई। जहाँ अबू बकर रसूल पाक का मज़ार बना हुआ है वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक का मज़ार बना हुआ है। हाज़िर मुकर्रम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो फ़ज़ाइल वो मनाक़िब है। उलमा फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ़ हो तो पहले अबू बकर को अपने सीने में बुला लो, पहले अपने सीने में अबू बकर को बुला लो, अबू बकर की मोहब्बत अपने सीने में भर लो, उसके बाद देखो जैसे ही अबू बकर सीने में आ जाएंगे उसके बाद रसूल पाक भी खुद ब खुद चले आ जाएंगे। आपने देखा गौरे सौर में सबसे पहले अबू बकर गए, वहाँ की गिला वहाँ पर जो कुछ भी खराबियाँ थी धूल मिट्टी जो कुछ थी अबू बकर ने साफ़ किया, उसके बाद रसूल पाक से कहा या रसूल अल्लाह गार साफ़ हो गया है आप तशरीफ़ ला लीजिए। ऐसे ही जब दिल में अबू बकर आ जाएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद ब खुद आ जाएंगे, तो पहले अबू बकर को दिल में बिठाएं, अबू बकर की अजमतों को अपने दिल में बिठाएं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करें, अबू बकर सिद्दीक से टूट कर मोहब्बत करें। इसलिए नहीं कि अबू बकर अफजल है, हमको सारों से मोहब्बत करना है, अबू बकर से भी मोहब्बत करना है, उमर से भी मोहब्बत करना है, उस्मान से भी मोहब्बत करना है, मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करना है। हाज़िर मुकर्रम उसका ही बेड़ा पार होगा जो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करेगा, उसका ही बेड़ा पार होगा। अगर कोई सहाबा से मोहब्बत करे अहले बैत से मोहब्बत ना करे तो फिर वो कामयाब नहीं होगा। क्यों? कामयाब वही होगा जो अहले बैत से भी नबी के दर वालों से नबी के घर वालों से सबसे जब मोहब्बत करेंगे तब ही हमारी मोहब्बत कामिल होगी, तब ही हमारा ईमान मुकम्मल होगा। एक आखिरी हदीस में सुनाकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। हाज़िर मुकर्रम एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है, रसूल पाक की महफिल सजी हदीस पाक में आता है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अब बैठने की मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाएँ, बैठने के लिए जगह नहीं है, किसको? मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला को रसूल पाक देख रहे हैं कि मौलाए कायनात खड़े हैं, सारे सहाबा बैठे हैं, अब अली को बैठने को कौन जगह देंगे? देखें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को कैसे अबू मौलाए कायनात से मोहब्बत है, कैसे अकीदत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपनी जगह से उठ जाते हैं और अली से कहते हैं अली इधर आ जाओ, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो जब ये वाक़िया होता है जब अली को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अबू बकर बुला कर बिठा देते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले देखे, कदर वाले ही कदर वालों को जानते हैं, अजमत वाले ही अजमत वालों को जानते हैं। अली का मकाम अबू बकर की नज़र में है और अबू बकर का मकाम अली की नज़र में है। इसलिए तो हदीस पाक में आया एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला देखें कैसी मोहब्बतें थी। हमारे उस्ताद मोहतरम यह हदीस पाक मौलाना अज़ीज़ुल्लाह शाह क़ादरी साहब फरमाया करते, एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मौलाए कायनात के चेहरे को देख कर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आप फरमाते हैं ए अबू बकर ए अली तुम्हारे चेहरे को क्यों ना देखूँ? रसूल पाक ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये मोहब्बतें हैं सहाबा में, एक दूसरे में मोहब्बतें हैं, सहाबा अहले बैत एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी उल्फत रखते हैं। आज ये हो रहा है, ये नज़र आ रहा है, कोई सहाबा को अलग कर रहा है, कोई अहले बैत को अलग कर रहा है, नहीं ये अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक जुज है, दोनों कुल सारे कुल के एक ही जुज है। मौलाना अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब फरमाते हैं जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा एक जगह जमा थे, ऐसे ही अहले सुन्नत वल जमात के दिलों में सहाबा अहले बैत एक जमा है, सहाबा अहले बैत अलग नहीं है। सहाबा भी रसूल की महफिल में बैठने वाले हैं, अहले बैत भी रसूल पाक की महफिल में बैठने वाले हैं। सहाबा को भी रसूल पाक से फैज मिलता है, अहले बैत को भी रसूल पाक से फैज मिलता है। और फैज अगर दुनिया में कोई चाहता है कि रसूल पाक का फैजान मिले, अगर कोई चाहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ताल्लुक जुड़ जाए तो उसको सहाबा से भी जुड़ना होगा, अहले बैत से भी जुड़ना होगा। हाज़िर मुकर्रम एक आखिरी हदीस सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा।
एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अबू बकर क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, एक मर्तबा मैं रसूल पाक के साथ अकेले में बैठा हुआ था, मैं रसूल पाक के साथ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सुनो, क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर मेरा अली सबको सैराब करेगा, सबको हौज़ कौसर पर मेरा अली पानी पिलाएगा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये कहा तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, ए अबू बकर रसूल पाक ने आपसे ये कहा, रसूल पाक ने मुझसे ये कहा कि ए अली तुम उसको ही हौज़ कौसर पर पानी पिलाना जो अबू बकर उमर से मोहब्बत करने वाला हो, तो जाम उसको ही मिलेगा जो अबू बकर से, चार हौज़ कौसर के चार कोने हैं, एक कोने पर अबू बकर होंगे, दूसरे कोने पर उमर होंगे, तीसरे कोने पर उस्मान होगे और चौथे कोने पर अली होगे। तो जो अबू बकर से मोहब्बत अगर नहीं करे, अगर अली से मोहब्बत कर अबू बकर से अगर मोहब्बत नहीं करेगा तो अली उसको हौज़े कौसर पर सैराब नहीं करेंगे। अगर कोई अबू बकर से मोहब्बत कर अली से मोहब्बत नहीं रखेगा तो अबू बकर उसको पानी हौज़े कौसर पर सैराब नहीं करेंगे। सैराब अगर होना है तो चारों से मोहब्बत करना पड़ेगा, हर सहाबी से मोहब्बत करना पड़ेगा, तब ही बेड़ा पार होगा, वरना फिर दुनिया भी ख़राब होगी, आखिरत भी ख़राब होगी। अहले सुन्नत वल जमात यही कहते हैं कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, क्यों बिगड़ते हो, क्यों बिगड़ते हो, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हाज़िर मुकर्रम, लोग जन्नत में कब जाएंगे? लोग जन्नत में मरने के बाद जाएंगे, क़यामत का मैदान होगा, सवाल व जवाब होंगे, सारे मामलात होंगे, उसके बाद जन्नत में जाएंगे। मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो हस्ती है जो अब भी जन्नत में है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मिंबर से मेरे रोज़े का जो हिस्सा है वो जन्नत है। अबू बकर अभी भी जन्नत में है, रसूल पाक के साथ अभी भी आप जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर का क्या मकाम है? खुदा के फजल से मैं गदा हूँ सिद्दीक अकबर का, खुदा के फजल से मैं गदा हूँ सिद्दीक अकबर का। या इलाही रहम फरमा, खादिम सिद्दीक अकबर हूँ, तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक अकबर का। अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।